अब डाउटनट पे आपको मिलेगा क्लास 6 से लेकर आईआईटी जेई तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब। डाउटनट एप्लीकेशन से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अगला पार्ट है, जिसमें हम पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। इसमें जितने ही प्रश्न लिए गए हैं वो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पटना कहाँ बसा हुआ है, ठीक है, पटना कहाँ बसा हुआ है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में भी जिस तरीके से चार ऑप्शन मिलेंगे, उस तरीके से यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मिला है गंगा के तट पर, बी में दिया गया समुद्र के किनारे, सी में दिया गया यमुना के किनारे, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है पर्वत के किनारे। तो आपसे बता दें, जो हमारे वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन होता है उसका जवाब आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है मैथिल कवि कौन था, ठीक है, मैथिल कवि कौन था। तो पहला ऑप्शन मिला है मनबोध, बी में दिया गया चंदा झा, सी में दिया गया विद्यापति, और डी में दिया गया है भाष। तो आपसे बता दें, क्वेश्चन नंबर दो का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड जो मैथिल कवि था वो विद्यापति था, ठीक है। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन मिला है पांच, बी में दिया गया है चतुर्विंशति, सी में दिया गया है विंशति, और डी में दिया गया है चतुर्विंशत, ठीक है। तो आपसे बता दें, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चार इस प्रकार दिया गया है महाभारत में कितने पर्व हैं। तो आपकी मैट्रिक एग्जाम में महाभारत में कितने पर्व हैं, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महाभारत में कितने श्लोक हैं और कितने पर्व हैं। तो पहला ऑप्शन मिला है 12, बी में दिया गया है 14, सी में दिया गया 18, और डी में दिया गया है 20। तो आपसे बता दें कि महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो कुल पर्व की बात करें तो कुल पर्व कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। तो ये तो हुई महाभारत में पर्व की बात, तो महाभारत में कितने पर्व हैं तो 18, लेकिन वहीं पे आपको श्लोक की बात करें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जा सकते हैं कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। तो आपसे बता दें, आप लिखिएगा 1,00,000 से अधिक, ठीक है, क्योंकि अभी तक गणना पूरा नहीं किया गया है। आपको किताब में यही इसका आंसर था कि 1,00,000 से अधिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 हैं, और कुल कितने श्लोक हैं, तो 1,00,000 से अधिक। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, ठीक है, यानी धर्म की रक्षा किससे होती है। तो इसके लिए भी आपको मिलते हैं चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया धन से, बी में दिया गया पूजा से, सी में दिया गया सत्य से, और डी में दिया गया है संतोष से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऑप्शन देख के इसका सही जवाब जान चुके होंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट को जवाब पहले से मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी उसका आंसर लिखते चलिएगा कि आप सभी को इस सभी प्रश्न में कितने याद हैं। मैं आप सभी के लिए जिस तरीके से ये PDF बनाया हूँ, उसी तरीके से PDF बहुत ही जल्द आप सभी को देने वाला हूँ। हालांकि बिहार बोर्ड का भी मॉडल सेट जारी होगा तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसीलिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर देखते हैं कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो आपसे बता दें कि धर्म की जो रक्षा होती है वो सत्य से होती है, यानी जो सत्य मार्ग पर चलेगा वो धर्म की रक्षा करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर छः को देख लेते हैं, कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। जो कर्णभार एक कर्णभार से आपका जो चैप्टर है, इसका जो उपजीव ग्रंथ की बात करें तो उपजीव ग्रंथ कौन सा है। तो पहला ऑप्शन मिला है रामायण, बी में दिया गया है महाभारत, सी में रघुवंश, और डी में दिया गया है भागवत पुराण। तो आपसे बता दें, क्वेश्चन नंबर जो छः दिया गया है कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी महाभारत, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर सात दिया गया है छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, यानी कोई भी अगर स्टूडेंट है, कोई भी छात्र है,
उनके लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होती है वे क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है दिया गया अध्ययन, बी में दिया गया धनार्जन, सी में दिया गया नौकरी की प्राप्ति और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो आपसे बता दें जो छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होती है, सबसे बड़ी तप होती है, वो अध्ययन होती है, ठीक है, यानी अध्ययन करना। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आठ को देख लेते हैं। कर्णस्य दानवीरता पथ कहाँ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पथ कहाँ से संकलित है? तो पहला ऑप्शन मिला गया है वासवदत्ता, बी में दिया गया कर्णभार, सी में दिया गया है महाभारत और डी में दिया गया है कुरुक्षेत्र। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर आठ का बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कर्णस्य दानवीरता कर्णभार से संकलित है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये काफ़ी भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए कि भीखन टोला गाँव किस राज्य में है, ठीक है। जो भीखन टोला है जहाँ के व्यक्ति थे राम परवेश राम, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि भीखन टोला का ये राम परवेश राम रहने वाला था। तो भीखन टोला ग्राम जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन मिला है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में झारखंड और डी में मध्य प्रदेश। तो आपसे बता दें जो भीखन टोला पड़ता है वो आपका बिहार में पड़ता है और बहुत गर्व की बात है कि हम लोग भी बिहार के ही निवासी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का नाइन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? जो वर्तमान ये अभी जो प्रेजेंट काल चल रहा है उसका जो संस्कृत लेखिका है वो कौन है? तो पहला ऑप्शन मिला है गंगा देवी, बी में दिया गया सुलभा, सी में मिथिलेश कुमारी मिश्र और डी में विजयंका। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मिथिलेश कुमारी मिश्र अभी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की अलस कथा किस प्रकार की कथा है? जो अलस कथा पाठ है वो किस प्रकार की कथा है? हालांकि चैप्टर का ही नाम है अलस कथा, तो ये किस प्रकार की कथा है? तो पहला ऑप्शन मिला है व्यंगात्मक, बी में दिया गया हास्यात्मक, सी में दिया गया करुणिक और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर जो 11 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वहीं पे बात करें अलस कथा पाठ की तो अलस कथा पाठ एक व्यंगात्मक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है विजय वट्टारिका किसकी पत्नी थी, ठीक है। तो इसके लिए भी मिलते हैं आपको चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रादित्य, बी में दिया गया है चंद्रगुप्त, सी में दिया गया है चंद्रकिशोर और डी में दिया गया है चंद्रशेखर। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जो विजय वटारिका जो पत्नी थी वो चंद्रदित्य की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है परम कल्याण करण कारक किसका है, ठीक है। जो परम कल्याण है वो किसका कारक है? तो यहाँ पे कारक लिखा गया है लेकिन आपका जो सही होगा वहाँ पे वो कारक होगा, ठीक है। जो कुछ टाइपिंग में भी मिस्टेक हो जाता है जिसके कारण आपका गलती लिखा जाता है, तो कारक यहाँ पे लिखा गया है कि परम कल्याण कारक क्या है। तो पहला ऑप्शन मिला है धर्म, बी में कर्म, सी में दर्शन और डी में दिया गया है नीति। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इसका जो कल्याण कारक है वह है धर्म, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो पहला ऑप्शन मिला है आत्मा, बीज, बालू के कण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस 14 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, चूंकि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म की बात करें तो आत्मा है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके जो बचपन का नाम है वो क्या था? तो पहला ऑप्शन मिला है शंकर, बी में दिया गया शिव शंकर, सी में दिया गया है मूल शंकर और आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें दिया गया है उमा शंकर। तो आपसे बता दें जो आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख पा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बचपन की बात करें तो उनका जो नाम था वो मूल शंकर था, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो पहला ऑप्शन मिला है आचरण, बी में व्यवहार, सी में संस्कार और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो अगर भारत में व्यक्तित्व की रचना की बात करें तो संस्कार ही एक व्यक्तित्व को रचना कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार करता है। ठीक है, तो इसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि लक्ष्मी किसे वरण करती है, जो लक्ष्मी है ये किसे वरण करती है। तो पहला से मिला है उद्योगों को, कामचोर की, फिर दिया गया है लोभी की, और डी में दिया गया है किसी को नहीं। तो आपसे बता दें जो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे ये होगा उद्योगों की। ठीक है, यानी लक्ष्मी किसे वरण करती है, तो उद्योगों की। उसके बाद में फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह दिया गया शिक्षक कैसा था, जो शिक्षक था वो कैसा था। तो हालांकि किताब की अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो शिक्षक वाला कहानी है वो कैसा था शिक्षक। उसमें पहला से मिला है दुष्ट, बी में लोभी, सी में दिया गया नवीन दृष्टि संपन्न, और डी में दिया गया है मूर्ख। तो आपसे बता दें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो नवीन यानी नया दृष्टि का जो संपन्न थे वही थे शिक्षक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बताएं 1 से लेकर 18 तक का संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगला वीडियो किस विषय और किस चैप्टर सा होना चाहिए सब्जेक्टिव का या ऑब्जेक्टिव का आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के द्वारा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको कमजोर, अगर आप चाहते होंगे कि हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ये सब्जेक्ट का हमारा तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और आपके कमेंट के द्वारा ही अगला वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों क्या अगला सब्जेक्ट क्या होगा आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए उस वीडियो को अपलोड कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि एग्जाम का भी समय बहुत कम बचा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं अभी तक मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन की आने वाली मैट्रिक की वीडियो आपसे ना छूटे और आप प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।